हेलो गेमर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। में सो इस वीडियो में बात करने वाले जाइडो सेटिंग के बारे में। अब जाइडो सेटिंग क्या है, काफ़ी सारे लोगों को पता है जाइडो क्या होता है और काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं है। सो ये जो इंडस गेम है, तो इंडस गेम के अंदर भी हमें जाइडो स्कोप देखने को मिलेगा, मतलब जाइडो सेटिंग आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो इंडस गेम है एक बैटल रॉयल गेम है, तो इसमें भी आपको जाइडो मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं है, और जो लोग भाई BGMI खेलते हो, ठीक है, सो उनको पता है। जो कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हो, एफएक्स लेजेंड खेलते हो एंड फोर्टनाइट खेलते हो, तो ये सारे गेम के अंदर आपको जाइडो कंट्रोल देखने को मिलेगा। अब ये जाइडो कंट्रोल क्या है, मैं ये बता देता हूँ। जैसे कि आप फ्री फायर की बात करें, तो फ्री फायर के अंदर आपको जाइडो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्री फायर के अंदर एम बॉट दिया गया है, इसीलिए इसमें जाइडो नहीं दिया गया है। बट बाकी कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर, एफएक्स लेजेंड एंड फोर्टनाइट, ये सारे गेम के अंदर ही आपको जाइडो सेटिंग देखने को मिलेगा। और ये जाइडो सेटिंग कैसे काम करते हैं, यहाँ पर मैं आपको वीडियो क्लिप दिखा देता हूँ, जो इंडस का एक क्लिप है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो जाइडो सेटिंग का किस तरह से भाई काम कर रहा है। ठीक है, मतलब आपको जो कैरेक्टर, मतलब जो फ़ोन है, ठीक है, आपको पूरा हिलाना है, तभी जो भाई इसको जो एम है ना, उसको कंट्रोल करेगा जाइडो से। सो इससे क्या होता है कि आप जो भाई एनिमी को आसानी से डाउन कर सकते हो। सपोज मान लो एनिमी जो भाई कार से या फिर बाइक से जा रहा है, तो अब ये जाइडो स्कोप से ना आसानी से एनिमी को डाउन कर सकते हो कार से। तो ये जो फीचर है दोस्तों, कमाल का फीचर है भाई, काफ़ी सारे लोगों को पता है, और जो लोग भाई खेलते हो उनको तो भाई पता ही है। क्योंकि ये जो फीचर है, आप अगर कभी खेले नहीं हो भाई, खेल रहे हो, तो आपको पहले तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि आपको कंट्रोल करना तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। किस तरह से कंट्रोल कर ले, आपका पूरा जो फ़ोन भाई मूवमेंट करेगा। बट इसका अगर आपको आदत लग गया ना, तो आप समझो कि आप भाई प्रो प्लेयर बन जाओगे, सच बता रहा हूँ। क्योंकि ये जो फीचर है ना जाइडो का, कमाल का फीचर है भाई। सो इसको ज़रूर ट्राई करना। हर एक बैटल ग्राउंड गेम के अंदर आपको ये जो फीचर आपको देखने को मिलेगा, जाइडो, जाइडो कंट्रोल का। ठीक है, सो ये जो भाई इंडस गेम के अंदर भी दिया गया है, तो भाई जाइडो में तो आपको खेलना चाहिए ज़रूर, इसको एक बार तो इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये फीचर कमाल का फीचर है। आप मैं बता देता हूँ इसका जो सेटिंग के बारे में, जो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो टेक्नो गेमर है भाई, वो किस तरह से इस जाइडो सेटिंग को ऑन कर रहा था। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा टेक्नो गेमर है जो भाई इंडस का सेटिंग में जाके जाइडो को ऑन कर रहा है, मतलब इनेबल कर रहा है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो जो भाई फ़ोन को किस तरह से जो भाई मूवमेंट करके यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जो भाई जाइडो कंट्रोल है वो किस तरह से काम कर रहा है। सो यहाँ पर आप देख ही सकते हो जो भाई ये जो भाई जाइडो है। ठीक है, और इसका गेम प्ले भी यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से भाई जाइडो को कंट्रोल किया जाता है, मतलब वो जो एम है ना, एम को एक्यूरेट करता है, जो एनिमी के ऊपर मारने के बहुत आसान कर देता है। यहाँ पर मैं एक क्लिप दिखाता हूँ, देख सकते हो फ़ोन को किस तरह से मूवमेंट करके भाई जो भाई मारा गया है, तो इसी को बोलते भाई जाइडो इसको, मतलब जाइडो सेटिंग। सो इसको आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, तभी जो भाई आप एक अच्छा सा शॉट दे पाओगे एनिमी के ऊपर। जैसे कि आपको पहले बता देते हैं, जैसे जाइडो का एक अलग सा सेटिंग रहता है, और जो भाई नॉर्मल जो लोग खेलते हैं, ठीक है, उसका अलग से एक सेटिंग रहता है। तो आपको ना अगर एक परफेक्ट जाइडो स्कोप का सेटिंग चाहिए, तो आपको मिनिमम उसके ऊपर 1 घंटे तक देना होगा, और आपको ट्रेनिंग सेंटर में जाके उसको प्रॉपरली सेट करना होगा, तभी जो भाई एक आप परफेक्ट जो भाई सेटिंग आपको मिल सकता है जो जाइडो स्कोप का। ठीक है, मतलब जाइडो से आप जो भाई मूवमेंट करके अपनी फ़ोन से जो आपको एम को कंट्रोल कर सकते हो, तो मिनिमम आपको 1 घंटा देना होगा, मतलब वेस्ट करना होगा। इसका मतलब आपको ट्रेनिंग सेंटर में जाना होगा, ट्रेनिंग सेंटर में जाके जाइडो स्कोप को ऑन करना होगा, और वहाँ पे जाके एक प्रॉपरली सेटिंग आपको करना होगा, मतलब वहाँ पर सेटिंग करने में आपको 1 घंटा भी लग सकता है दोस्तों। तो आप एक प्रॉपरली सेटिंग आप जाइडो का जब मिल जाएगा, तो पे आसानी से आप बंदे को नॉक कर सकते हो, चाहे वो कार से जा रहे या फिर बाइक से जा रहे। हर एक 6X, 2X एंड 4X हर एक कंट्रोल आप वहाँ पे सेटिंग कर सकते हो अपने हिसाब से। सो भाई इसको तो भाई आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए।
और काफ़ी सारे लोगों को तो भाई पता है, जैसे जो लोग BGMI एंड कॉल ऑफ ड्यूटी एंड फोन नाइट गेम इस टाइप गेम जो खेलते हैं उनको पता ही है जायडो का काम क्या होता है। और जो लोग भाई फ्री फायर खेलते हो, अदरवाइज कोई दूसरा गेम खेलते हो बट जायडो सेटिंग को खेलते नहीं हो, तो एक बार दोस्तों इसको ज़रूर ट्राई करो, क्योंकि ये जो फीचर है दोस्तों कमाल का फीचर है। इसको आप ट्राई करके भाई एनिमी को आसानी से नॉक कर सकते हो। सो ज़रूर एक बार ट्राई करना जायडो स्कोप को। और जो लोग भाई फ्री फायर खेलते हो ना, तो उनको तो भाई ज़रूर ट्राई करना चाहिए कोई भी दूसरा गेम डाउनलोड करके, चाहे वो BGMI हो एंड कॉल ऑफ ड्यूटी हो। सो इसको डाउनलोड करो और इसको भाई खेल के एक बार टेस्ट करके देखो, क्योंकि आप भी इस गेम को खेलना चाहते हो, हर एक इंडियन ये इंडस गेम को भाई खेलना चाहते हैं, तो भाई जायडो स्कोप को यूज़ करना आपको आना चाहिए। तभी जो भाई एक आप अच्छा सा शॉट एनिमी के ऊपर दे सकते हो, जो भाई कार से या फिर बाइक से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। और जो लोग भाई चैनल में नए होना, प्लीज़ लाइक करो और साथ में बेल आइकन भी ऑन कर दो। और जो लोग भाई वीडियो देखते हो प्लीज़ एक लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं, बाय।